हेलो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ नेपाल को, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी के आशीर्वाद से आप लोगों के सभी के प्यार से बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड, मुझे सुबह की शुरुआत करने के लिए लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने रास्ते का सिनेमैटिक के साथ आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मिलते रहती हूँ आप लोगों के साथ बराबर, जब जब जैसा टाइम होता रहता है तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। तो यहाँ पर मेरे देवर जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए कैनाल पुल तक, जो यहाँ से हमारे गांव से होते हुए रास्ता जाता है। तो जल्दी हम लोग यहाँ पर से पहुँच जाते हैं। तो ये हमें गड्ढा चौकी तक छोड़ेगा और ये है NSPC का पार्क वगैरह। जाते समय तो हमें बढ़िया वाली बस मिल जाती है, बैठे आराम से सीट मिलती है, लेकिन आते समय बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ से बसें भरी हुई आती है, यहाँ पर तो खाली मिल जाती है टाइम से। तो अभी हम बजा हुआ ऐसा हम लोग बस में बैठ चुके हैं, पूरी बस खाली है, सब दीदी बैठी हुई है, बस भरेगी सब चलेगी, रस्ते भर में बस भरती ही रह गई है। और आज मैं अगर खाने में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, कहीं खा लेंगे थोड़ा सा। हम लोगों ने दवाई तो ले ली है, तो कल रहे घर पर बहुत धूप लग गई, इसलिए पूरा मुंह बंद कर रखा है। तो यहाँ पर बैठे हैं अभी हम, इसमें क्या बोलते हैं, टेम्पल में। आज हमें मिली है फ्रंट सीट, ये मार्केट है अतरिया की। आज मार्केट बंद रहती है, आज कितनी होते हैं कहा पता नहीं क्या करते, आज मार्केट बंद है, सारी दुकानें बंद है। हम लोग बैठे फ्रंट की सीट पे और पीछे पूरी बस खाली है, पता नहीं कब चलती आ रही घंटे में। और ये है हमारे तेरे कौन सा मुखले पे चलता हुए वाला चश्मा। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ जो यहाँ सबसे ज्यादा है, वो है ये लेडीज़, देखो ये बेच रही है आइसक्रीम। तो यहाँ पर की सारी सब लेडीज हैं, सारे काम में करती हैं। पानी पूरी पानी नहीं पानी, देखो ठंडा बेच रही है, ये सब सारे जेंट्सों के काम यहाँ की लेडीज़ें करती हैं। ठेला भी चलाती हैं, टुक टुक चलाती हैं। फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं और 2:30 बजा हुए, बड़ी जल्दी टाइम से पहुंच गए घर पर। हम लोग ने आज बाइक की सवारी करी, आते समय बाइक वाले भैया को पकड़ा, तो उन्होंने गड्ढा चौकी से हमको यहाँ पे छोड़ दिया है बाइक में, बाइक से। तो टाइम से हम लोग घर पहुंच गए हैं, अभी अंदर भी नहीं गई, बेटी ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया पता नहीं, तो बस देखते रहते हैं आप लोगों से बराबर। बेटा तो सो रखा है शायद, अभी बाहर भी नहीं निकला है। तो फ्रेंड अभी बचा हुआ है कितना बता दूँ, 3:30 हो रहा है, और जैसे आराम करने के लिए लेटे तो दुकान का दरवाज़ा खटखटाने वाले आ गए, फोटोकॉपी वाले आ गए, बच्चे तो सो रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो अभी उनको फोटोकॉपी करके दिया है, और थोड़ा सा प्रिंट निकालना था, मोबाइल का ही प्रिंट निकालना था, तभी मोबाइल भी लेके आई, नहीं तो मोबाइल तो दुकान पर नहीं लेके आती, तो फिर मोबाइल से भी एक दो प्रिंट निकाले। तो अब मैं फिर से जगह दी दुकान को लॉक करके घर को करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। हेलो फ्रेंड, तो बजा हुआ है अभी दिन के रात के क्या ही बताऊँ, 9:45 बज गया है, आधे से ज़्यादा रोटियां बन चुकी हैं, और लड़की की डिमांड एक आ रखी है काफ़ी दिनों से, तो इसकी डिमांड को पूरा कर रही हूँ। गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा अपने आप पे, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों पे। खा देती हूँ इसी के साथ साथ मैं पराठा कैसे बना रही हूँ, उसके लिए अंडे वाला पराठा बनाने के लिए बोला इसने, तो मैं दिखाती हूँ कैसा अंडे वाला पराठा बना रही हूँ। ये पराठा रख दिया इसमें मैंने, अब इसके अंदर मैंने ये डाल दिया अंडा, ऐसे कर दिया।
साथ मैं भी अपनी ब्लॉगिंग की आंटी करती हूँ। मिलते रहिए मेरे साथ, तब के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।